वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 67, सेक्शन 68 की बात करनी है, और ये दोनों के दोनों सेक्शन डील करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स से, राइट? चलें। सबसे पहली बात तो यार हम पहले ये देखें भाई बायबैक होता क्या है, राइट? हम बात कर रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 67 है, सेक्शन 68 है। अगर हम मेन सेक्शन की बात करें तो भाई सेक्शन 68 बात करता है बायबैक की, मेन सेक्शन जो है। बट सेक्शन 67 कहीं ना कहीं इर्द गिर्द सब बायबैक के घूमता है। सेक्शन 69 भी वही रहता है एंड सेक्शन 70 भी वही रहता है। अगर ओवरऑल बात करें तो सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 70 तक पूरी की पूरी सीरीज है बायबैक की, बट मेन सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन 68। किसका? बायबैक का। सबसे पहली बात तो नाम से ही लग रहा है यार, बायबैक मतलब कंपनी खुद के शेयर्स अगर खरीदती है वापस शेयर होल्डर से। कंसेप्ट क्या होता है? मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या करती है, वो इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। अब इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो चाहे तो पब्लिक ऑफर के थ्रू दे या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से शेयर्स इशू करती है। किसको? शेयर होल्डर को। अब मेरी कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा लिया, या जो भी काम करना है, जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी ने पैसा लिया था वो ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो चुका है, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी कंपनी चाहती है कि यार ये जो हमारे पास सब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, राइट, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, ये पैसा जो है हम क्या करें? कोई भी नया ऑब्जेक्ट, कोई भी नया बिजनेस नहीं दिखता कंपनी को। कंपनी चाहती है यार ये पैसा हम बैंक में एफडी रख के क्या करेंगे, तो एक काम करें यार, हम क्या करते हैं, ये पैसा रिटर्न कर देते हैं शेयर होल्डर को, राइट। और जब उनको रिटर्न करेंगे तो उसके बदले में कंपनी अपने शेयर्स वापस लेगी, ताकि कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाए। कंपनी के नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर्स इशूड है, जो लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो कम हो जाए। इस पर्पस से कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स को बात करती है। एक और चीज, कोई भी कंपनी अगर बायबैक लेकर आती है, इसका मतलब कंपनी बहुत साउंड है। क्योंकि याद रखना साहब, जो भी आपका मार्केट प्राइस अभी चलता है, उससे ज्यादा की प्राइस पर ही कंपनी बायबैक लेकर आएगी, तो बायबैक का जो रिफ्लेक्शन होता है या बाय, वो बहुत पॉजिटिव होता है। सब किसी भी कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा, नेक्स्ट डे उसके वो कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में 5-10% की अपसाइड दिखाता ही है, क्योंकि बायबैक एक पॉजिटिव न्यूज है साहब, बहुत प्यारी न्यूज होती है। एक तो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे करते हैं, आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, इसलिए बायबैक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज होती है। बट कंपनी ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी सब, ये पॉजिटिव न्यूज है, सब कुछ बढ़िया है इस बायबैक में, तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने एक एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार हम आपको पहले शेयर्स इशू कर रहे हैं और बाद में आपसे हम ये शेयर्स वापस ले लेंगे, और कंपनी की जब ये न्यूज पब्लिक में आएगी तो कंपनी का शेयर 10% ऊपर जाएगा, हम अपने शेयर बेच देंगे कुछ। लॉ ने बोला ऐसी व्यवस्था मत करना यार, मतलब कंपनी खुद के शेयर वापस नहीं लेगी, वो भी इस अरेंजमेंट के थ्रू। ये मना किया है सेक्शन 67 में, जो जिक्र है वो हम बात करेंगे। चलो, तो सेक्शन 67 की हेडिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेक्शन 67 की हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस। क्या लगा दिए साहब इन्होंने? रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर। मतलब याद रखना, लॉ में क्या शब्द यूज हुआ है यार, लॉ में वर्ड यूज हुआ है रिस्ट्रिक्शन। मतलब कहीं कहीं थोड़ा बड़ा अमाउंट आप दे सकते हैं, बट ओवरऑल तो रिस्ट्रिक्शन है। याद रखना, वर्ड प्रोहिबिशन नहीं है। अरे भाई, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में डिफरेंस होता है। प्रोहिबिशन मतलब 100% आपको ये काम करना ही नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे यार, प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि भाई आपको ये काम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, सब बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं साहब किसी तीज त्योहार पर, राइट,
बहुत लोग हैं सब मेरे जैसे प्रोहिबिटेड, भाई लेना ही नहीं है जिंदगी भर, कभी भी टेस्ट भी नहीं करना है हमको। तो ये हुआ प्रोहिबिशन, बहुत रिस्ट्रिक्शन, राइट। चले तो सेक्शन 67 बात करता है कि आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जमाएगी कि आपने पैसा दिया और वही वापस ले रहे हो, सिर्फ वो मार्केट फ्लक्चुएशन या अपने गुडविल बढ़ाने के लिए आप बायबैक का काम कर रहे हो। लॉ ने बोला ऐसा टाइम पास नहीं करना है। चले, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, याद रखना भाई शेयर कैपिटल होगी तभी तो हम बायबैक की बात करेंगे, शेल हैव द पावर टू बाय इट्स ओन शेयर अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर आपको खुद के शेयर वापस करनी है तो उसके लिए सेक्शन 66 फॉलो करो। भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन 66 बात करता है, पहला पॉइंट, पहला सब सेक्शन, सेक्शन 67 का क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं लेगी और अगर लेना है देन इन दैट केस यू नीड टू कंप्लाई विद दी सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे सेकंड बात करता है नो पब्लिक कंपनी, कौन सा वर्ड यूज है, नो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, बीच बीच में सेक्शन रिकॉल करते चले, सब आपको सारे के सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। तो भाई पब्लिक कंपनी की डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, बहुत गंदा लिख रहा है। तो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन कहाँ है सब, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। तो इन्होंने क्या बोला है, नो पब्लिक कंपनी शेल गिव, कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं देगी चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, मतलब मैंने किसी पर्सन को पैसा दे दिया 5 करोड़ रुपए कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो और 2 महीने बाद हम ये बायबैक करेंगे आपसे। लॉ ने बोला ऐसा काम मत करना, आपने ये काम इनडायरेक्टली भी किया है, ए ए ए के बाद फिर बी और बी के बाद फिर सी। लॉ ने बोला ऐसा काम भी मत करना, वेदर बाय मीन्स ऑफ अ लोन, आप किसी को लोन मत देना, ना ही गारंटी की बात करना, दी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी और अदरवाइज, या किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब इंपॉर्टेंट है, हमने ये देने की बात करी है किस पर्पस से, वो इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद अ परचेज और अ सब्सक्रिप्शन मेड ऑन टू बी मेड बाय एनी पर्सन फॉर एनी शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब आप मेरी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए मेरी कंपनी पैसा नहीं देगी और ना ही होल्डिंग कंपनी के शेयर आप मेरी कंपनी के पैसे से परचेज कर सकते हैं। याद रखना ये जो लोन गारंटी सिक्योरिटी की बात की गई है ये किस पर्पस के लिए मना किया है, सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 में ये सिर्फ और सिर्फ मना किया है कि मेरी ही कंपनी दूसरे पर्सन को पैसा लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी, किस पर्पस के लिए, मेरी ही कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए, राइट, या फिर मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, राइट। तो ये तो हुआ सब, याद रखना सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है यार, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स कम नहीं कर सकती, करना है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन 66 वो फॉलो करो। एक बात, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड किसी दूसरे को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, और क्यों नहीं करेगी, रीजन क्या है, क्योंकि वो बंदा वो पैसा वो लोन का अमाउंट जो है वो कहाँ यूज करेगा, मेरी कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए। लॉ ने बोला ऐसा काम मत करना। दूसरा पॉइंट, आगे सबसेक्शन 3 बोलता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पॉइंट दिए गए हैं दीज आर एक्सेप्शंस टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, राइट। अब हम बात करें सब एक्सेप्शन की, ध्यान से, द लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब इसका मतलब ये है सब, अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मैं गया सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मैंने बोला सर मुझे एक
पर्सनल लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। और मैंने बोला यार 10 लाख रुपए का ये पर्सनल लोन मुझे चाहिए है और ये लोन का मैं क्या करूंगा। उन्होंने पूछा क्या करोगे, मैंने बोला मैं आपकी कंपनी के शेयर परचेज करूंगा और आप जब बायबैक लेकर आओगे तो उसमें आपको शेयर बेच दूंगा। लॉजिकल देखिए साहब, एक कंपनी पैसा दे रही है खुद के शेयर्स खरीदने के लिए। लोने बोला है साहब ये चीज एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अरे भाई, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया तो मैं ICICI बैंक जाकर पैसा ले लूंगा। इसीलिए लोन है अलाउ करा है कि भाई आप अगर लेंडिंग कंपनी हैं और आप बैंकिंग कंपनी हो और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा दे रहे हो, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस तरीके से आप ये पैसा शर्मा जी को देते वैसे ही उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप वो पैसा गुप्ता जी को दे रहे हैं। लॉ ने बोला साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक्सेप्शन में कवर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट, पहला एक्सेप्शन किसका, सबसेक्शन 2 का। सेकंड, शेयर्स कैन बी परचेज इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। मेरी कंपनी ने कोई स्कीम बनाई है और वो स्कीम को शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है, वो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब 75% वालों ने। फॉर द परचेज ऑफ और सब्सक्रिप्शन फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी इन इट्स होल्डिंग कंपनी इफ द परचेज ऑफ और द सब्सक्रिप्शन फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड सच शेयर हेल्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बहुत ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है सब, मेरी कंपनी ने पैसा दिया है राइट सब, मेरी कंपनी ने पैसा दिया है एक ट्रस्ट को और वो ट्रस्ट क्या कर रहा है, मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए दिया है और वो ट्रस्ट मेरी ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रस्ट जो शेयर्स होल्ड करे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होल्ड किए हैं, ट्रस्ट उन शेयर्स का मालिक नहीं है। और ये लोन हमने एम्प्लॉयज को भी नहीं दिया सर, ट्रस्ट उन शेयर्स का मालिक नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट जो एक्वायर करे हैं वो तो बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए होल्ड किए हैं। तो लॉ ने बोला ये चीज अलाउड है। ध्यान से फिर से पढ़ें, शेयर्स कैन बी परचेज इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आपने जो ये अमाउंट दिया है फॉर द परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी, याद रखना सेक्शन 67 आपकी होल्डिंग कंपनी को भी लगता है। If the purchase of or the subscription for the shares held by the trustee for the, देखो ध्यान से, shares किसके पास है, trustee के पास है, किसके benefit के लिए, employees of the companies के benefit के लिए, और such shares held by the employee of the company, तो law ने बोला ये चीज allowed है, हमने आपको मना नहीं किया। बहुत ध्यान से section 67 subsection 1 क्या बोलता है, भाई शेयर्स अगर आपको रिड्यूस करने हैं तो सेक्शन 66 फॉलो करो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, कोई भी कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी खुद के शेयर परचेज करने के लिए, साफ साफ मना है सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 3 एक्सेप्शन है किसका, सब सेक्शन 2 का। और सब सेक्शन 3 में दो हम पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन, पहला है सब बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा दे सकती है, कोई मना नहीं है। दूसरा है आप पैसा दे सकते हैं ट्रस्टी को, ट्रस्टी आपकी कंपनी के शेयर परचेस करेगा और जो ट्रस्टी ने आपकी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं वो किसके बेनिफिट के लिए है, कंपनी के एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए है, वो अलाउड है, वो एक्सेप्टेबल है। ये हमारा हुआ सब एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन 67 का। थर्ड, The giving of loan by a company to persons in the employment of the company. The giving of loan by a company to persons in the employment of the company other than its director or KMP for an amount not exceeding their salary or wages for a period of 6 months. With a view to enabling them to purchase or subscribe for fully paid up shares in the company or holding company is to be held by way of beneficial ownership. बहुत ध्यान से,
जो आपका सब सेक्शन थ्री का जो थर्ड क्लॉज है वो क्या बोल रहा है, मेरी कंपनी लोन देगी किसको, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है उनको, किनको छोड़कर, अदर देन डायरेक्टर एंड केएमपी, इनको छोड़कर मेरी कंपनी सब एक्स वाई जेड, सब मिस्टर ए एक पर्सन है, एक हमारी कंपनी में सब टेक्नीशियन है या हमारी कंपनी में अकाउंटेंट साहब हैं, उनको सैलरी दी है। बट याद रखना, आप सैलरी क्यों ले रहे हो एडवांस, क्योंकि आपको मेरी ही कंपनी के शेयर परचेस करना है। लॉ ने बोला दे दो, कितने महीने की, फॉर अ वेजेस, फॉर अ पीरियड 6 मंथ मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, हम आपको 6 महीने की एडवांस सैलरी तक दे देंगे। आपका पर्पस क्या है, सब मेरी कंपनी के शेयर परचेज करने का। लॉ ने बोला ये चीज अलाउड है, राइट। ध्यान से हम बात कर रहे हैं सेक्शन 67 सब सेक्शन 3, और सब सेक्शन 3 एक्सेप्शन है किसका, सब सेक्शन 2 का। और ये क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और पैसा दे रही है सब खुद के शेयर परचेज करने के लिए, 3 एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है वो, 6 महीने की सैलरी के बराबर दे दो। बट अगर वो पर्सन डायरेक्टर या केएमपी हुआ, इनको देने की बात हमने नहीं की है इस वाले प्रोविजन में। विद अ व्यू टू इनेबलिंग देम टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी टू बी हेल्ड बाय देम बाय वे ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। चले आगे, प्रोविजन ऑफ मनी बाय कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय एम्प्लॉइज और बाय ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। द कंपनी शेल नॉट मेक अ प्रोविजन ऑफ मनी फॉर द परचेज और सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स इन द कंपनी और इन द होल्डिंग कंपनी इफ द परचेज ऑफ और द सब्सक्रिप्शन फॉर द शेयर्स बाय ट्रस्टी इज फॉर द शेयर्स टू बी हेल्ड by or for the benefit of employees of the company, namely, अगर वो following conditions fulfill करता है, पहला, the scheme of provision of money for purchase of or subscription for the share as aforesaid, भाई सबसे पहली बात तो member general meeting में special resolution pass करें, एक बात, such purchase of share shall be made only through a recognized stock exchange. सब बार्टर सिस्टम मत यूज करना यार, आपको प्रॉपरली परचेज करना है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। इन केस द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड नॉट बाय वे ऑफ प्राइवेट ऑफर और अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था मत करना। वेयर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड, अगर मेरी कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है, कहां पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, द वैल्यूएशन एट विच द शेयर्स आर टू बी परचेज शैल बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। The value of shares to be purchased or subscribed in the aggregate together with the money provided by the company shall not exceed 5% of the aggregate paid up share capital and free reserve. Right? आप overall जो money provide करेगी company वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा, 5% of the aggregate paid up share capital and free reserve से ज्यादा। ये चीज हमारे काम की है और ये है हमारा कौन सा वाला सेक्शन का जिक्र हमने किया, सेक्शन 67 का। और पढ़े एक्सेप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है भाई, याद रखना सेक्शन 67 प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगता और ये बात हमको यहीं से पता चल गई थी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नो पब्लिक कंपनी, राइट। प्राइवेट कंपनी का जिक्र कहां है यार, सेक्शन 2 क्लॉज 68 पे है। आगे कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी की बात करा, इन हूज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, इसका मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जो खुद के पैसे से मैनेज हो रही है, कोई आपकी होल्डिंग नहीं है, राइट, किसी और ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एक बात। प्लस इफ द बोरिंग ऑफ सच कंपनी, मतलब बैंक से उस प्राइवेट कंपनी की बोरिंग फ्रॉम बैंक्स और एफआई or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or 50 crore rupees whichever is lower, aapki bank se borrowing 50 crore rupees twice of its paid up share capital or 50 crore whichever is lower se kam hona chahiye and
such company is not in default in repayment of such borrowing subsisting at the time of making transaction under this section, notification dated 5 June 2015, ये बात करी है section 67 की, right? तो in case of private company, section 67 private company पे नहीं लगेगा, अगर private company ने ये तीनों में से कोई भी condition से वो बचा रहा, कब? पहला, किसी और का आपकी private company में investment नहीं होना चाहिए, आपने जो बैंक से बोरोइंग की है वो ट्वाइस ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर उससे कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की हो, बोरिंग वगैरह में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए वो डिफॉल्ट, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम एक्सेप्शन टू IFSC पब्लिक कंपनी ऑल्सो। आगे, इन केस ऑफ निधि कंपनी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67 shall not apply when shares are purchased by the company from a member on his ceasing to be depositor or borrower and it shall not be considered as reduction of share capital under section 66 of the Companies Act 2013. क्या बोल रहा है वो? When shares are purchased by the company from a member, अरे भाई कोई भी person मेरी company में depositor था, बोरोवर था, अब नहीं है, तो लोने बोला आपने शेयर परचेज नहीं करा, बच गए आप, तो उसको हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं ट्रीट करते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट ऑफ अ कंपनी टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय इट अंडर दिस। साहब, आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए मना नहीं करेगा, और कोई भी समस्या हुई तो समस्या का समाधान बहुत महंगा है। लोने बोला इट्स कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन की है तो क्या होगा? पनिशेबल विद फाइन, 1,00,000 रुपए मिनिमम है, 25,00,000 रुपए मैक्सिमम है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल का रहना खाना फ्री है। कितना पैसा लगेगा यार? 1,00,000 रुपए से लेकर 25,00,000 रुपए तक, राइट? ये हमने बात की सेक्शन 67 की, विद कुछ एक्सेप्शंस की बात की है। चले थ्योरी कंसेप्ट देखें, सब समझते हैं भाई क्या कंसेप्ट है थ्योरी में, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर 67 है, बहुत ध्यान से। सेक्शन 67 बोल रहा है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ध्यान से क्या वर्ड यूज हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन by it for purchase of its share, section कौन सा है? 67. As a fundamental principle, a company cannot buy its own shares because in that case it will involve reduction of share capital affecting the creditors. However, this restriction is not absolute. ये restriction 100% नहीं है, मतलब कहीं कहीं relaxation है, और relaxation कहाँ है? Subsection 3 में relaxation है। If the prescribed procedure as laid down by 67 is followed, the company is permitted to buy its own shares and the prohibition shall not apply. The provision of section 67 are mentioned below. बहुत ध्यान से, subsection 1 क्या बोलता है कि भाई आपको reduction of share capital को follow करना है अगर आपकी company वापस कम shares कर रही है तो। Reduction according to the applicable Section 67(1) lays down that no company limited by shares or by guarantee having a share capital shall have the power to buy its own shares. आप अगर खुद के शेयर कम कर रहे हो तो मेरी कैपिटल कम हो रही है, और भैया कैपिटल कम हो रही है तो सेक्शन 67 खड़ा है द्वार पे, राइट? मतलब सेक्शन 66 खड़ा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला। Restrictions on, ध्यान रखना भाई restriction शब्द है, prohibition word नहीं है। Restrictions on giving loan, guarantee, provision of security, etc. According to section 67 subsection 2, no public company shall give, whether directly or indirectly, whether by means of a loan, guarantee, and the provision of security or otherwise, any financial assistance. For the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person or for in connection for any shares in the company or its holding company.
एक्सेप्शन। सेक्शन 66 सब सेक्शन 3 क्या बात करता है एक्सेप्शन की, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे सेक्शन 67 में। दे आर हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर अ कंपनी में प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, नेमली द लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं दोगे हम HDFC बैंक से ले लेंगे साहब और फिर आपके शेयर्स लेंगे। तो लॉ ने बोला ये वाला प्रोविजन यहाँ लग गया एक बार। सेकेंड प्रोविजन, द प्रोविजन इज मेड बाय द कंपनी फॉर लेंडिंग ऑफ इज मनी इन अकॉर्डिंग विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन विद सच रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द परचेज ऑफ या सब्सक्रिप्शन फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी या होल्डिंग कंपनी। याद रखना सेक्शन 67 मेरी खुद की कंपनी पर भी लगेगा और मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए आप मुझसे पैसा ले रहे हो तब भी सेक्शन 67 बीच में खड़ा होगा। इफ द शेयर्स और सब्सक्रिप्शन फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्टी, और ट्रस्टी ने जो परचेस किए हैं वो किसके लिए परचेस किए हैं, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी के लिए। थर्ड पॉइंट, द गिविंग ऑफ लोन बाय अ कंपनी, किसको दे रहा है लोन, टू अ पर्सन और वो पर्सन मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, किसको छोड़कर, अदर देन इट डायरेक्टर्स और KMP। याद रखना साहब इनको छोड़कर इनकी बात नहीं की गई है। फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग देयर सैलरी वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months विद अ व्यू टू इनेबलिंग देम टू परचेज और शेयर्स फॉर द फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी इन इट्स होल्डिंग कंपनी to be held by them by way of beneficial ownership. However, disclosure in respect of voting rights not exercised directly by the employees in respect of shares to which the scheme relates shall be made on the board report in such manner as may be prescribed. Redemption of preference shares permitted. Redemption of preference shares permitted. According to section 67 subsection 4, भाई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर लो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी वो अलाउड है, क्योंकि वो तो करना ही है ना आपको। प्रेफरेंस शेयर इशू करें सेक्शन 55 में और वो 55 में इशू करें तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, 20 साल या 30 साल। लोने बोला टाइम खत्म हो गया, रिडीम करना ही पड़ेगा, पैसा वापस करना ही पड़ेगा, भले रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो आपको अपने शेयर खुद परचेस करने पड़ेंगे, सेक्शन 67 बीच में नहीं आएगा। Nothing in section 67 shall affect the right of a company to redeem any preference share issued under this act or under any previous company law. कोई भी समस्या है, कोई भी डिफॉल्ट है, समाधान बहुत सिंपल है भाई। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन की है तो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। ऑफिसर ने अगर करा है तो 3 साल का रहना खाना फ्री है। कितनी पेनल्टी है, 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक हम निपटा देंगे। चले भाई कुछ कुछ सवाल देखे, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास। पहला सवाल है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडी ऑफ SRN लिमिटेड डिसाइड्स टू ग्रांट अ लोन ऑफ 2 लाख रुपया दे रहे हैं पी को, और पी साहब कौन है, हमारी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है of the company getting salary of 30,000 per month. 30,000 रुपया में काम करते हैं भाई साहब, ठीक है, okay. To buy 400 partly paid up equity shares of rupees 1,000 each of XYZ Limited. Examine the validity of board resolution with reference to the provision of Companies Act. बहुत ध्यान से पढ़े, क्या हमने कहीं भर भी अभी तक ये provision पूरा का पूरा पढ़ा है, क्या हमने ये word use किया है क्या, partly paid up shares? ना, हमने क्या वर्ड यूज करा है, आप जो शेयर्स दे रहे हैं वो आप जो अमाउंट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सैलरी एडवांस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए कर रहे हैं, राइट। एक बात, दूसरी बात, बंदे की सैलरी कितनी है, 30,000 रुपया हम देंगे सैलरी मैक्सिमम 6 महीने की, तो 6 3 कितना हुआ 18, तो 1,80,000 रुपए तक दे सकते हैं। यहाँ पर मेरी कंपनी देना चाहती 2 लाख रुपए तक, बहुत नाइंसाफी है। XYZ Private Limited shall be treated as a public company since it is a subsidiary of public company.
साफ साफ लिखा है सब सेक्शन 2 क्लॉज 71 में. द बोर्ड डिसीजन इज नॉट वैलिड सिंस द लोन ऑफ रुपीज 2 लाख गिवन टू फाइनेंस मैनेजर एक्सीड इज 6 मंथ सैलरी सिंस द लोन इज गिविंग फॉर द परचेज ऑफ पार्टली पेड अप शेयर. दोनों चीजें मना है भाई. आपको जो शेयर्स देना है वो पहली बात तो 6 महीने की सैलरी से ज्यादा के लिए पैसा नहीं देना है, लोन नहीं देना है एम्प्लॉयज को अदर देन केएमपी डायरेक्टर्स को छोड़कर. एंड वो भी शेयर्स परचेज करने के लिए देंगे तो वो भी कौन से होंगे, फुल्ली पेड अप होंगे. द्वितीय क्वेश्चन, दूसरा सवाल. एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ पीक्यूएल लिमिटेड, बहुत बढ़िया, मतलब ये भी पब्लिक कंपनी है, डिसाइड्स टू गिव अ लोन ऑफ 4 लाख रुपए दे रहे हैं टू एचआर मैनेजर हु इज नॉट अ केएमपी ऑफ, बहुत बढ़िया, एमएनओ को केएमपी नहीं है. सैलरी निकालता है 30,000 टू बाय पार्टली पेड अप शेयर. सेम क्वेश्चन, अलग नाम है बट कंसेप्ट सेम है. ध्यान रखना आप ऐसा कोई लोन नहीं बांट सकते, मतलब नहीं बांट सकते, साफ साफ मना कर दिया सेक्शन कौन से में, 67 में. फटाफट रिकॉल करें साहब, पहला सब सेक्शन क्या बोलता है 67 का, कि भाई आपकी कंपनी को अगर शेयर्स रिड्यूस करना है देन इन दैट केस यू नीड टू कंप्लाई सेक्शन 66 दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में. सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, नो पब्लिक कंपनी, साफ साफ मना कर दिया, पब्लिक कंपनी कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी किसी भी पर्सन को मेरी खुद की कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए, सब सेक्शन 2 बोलता है. सब सेक्शन 3 बोलता है, रुको भाई रुको, सब सेक्शन 2 एक्सेप्शन है कुछ कुछ सब सेक्शन 3 में, और कितने एक्सेप्शन है, 3. पहला क्या बोल रहा है, मेरी कंपनी लोन दे सकती है अगर मेरी कंपनी बैंकिंग कंपनी है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है देन इट इज अलाउड. सेकंड पॉइंट, लोन दे दो सब ट्रस्टी को, ट्रस्टी मेरी कंपनी के शेयर परचेस करेगा बट वो होल्ड करे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, और जहां जहां कंपनी है वहां वहां होल्डिंग कंपनी भी है. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, आप एम्प्लॉय को लोन दे दो मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी के बराबर, पहली बात. दूसरा, एम्प्लॉय में डायरेक्टर के एमपी नहीं आएगा. तीसरा, जो भी दोगे वो फुल्ली पेड अप शेयर्स करने के लिए पैसा दोगे, राइट. रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड है, सब सेक्शन 4 बोलता है आप रिडम्पशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको हम सेक्शन 67 अप्लाई नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे. और फिर है भाई पेनल्टी, 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक कंपनी के ऊपर, एम्प्लॉय डायरेक्टर जिसने डिफॉल्ट की है पर्सन ने, नेचुरल पर्सन ने, 3 साल का रहना खाना फ्री है. इसका मतलब 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन कितना, 1 लाख से 25 लाख रुपए तक. तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन 67